हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिल मिल गए सीरियल में डॉक्टर रिधिमा का किरदार निभाकर मशहूर होने वाली एक्ट्रेस शिल्पा को कौन नहीं पहचानता है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी शिल्पा आनंद की लाइफस्टाइल के बारे में, इतने सालों बाद वो कैसी दिखती है, साल 2023 में उनका रियल एज क्या है, किसके साथ उनकी शादी हुई, उनकी कितने बच्चे हैं, अभी तक उनकी बैंक बैलेंस कितनी है। इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। अगर आप उनके फैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। उनके रियल नेम है शिल्पा शिवानंद, उनका निकनेम है शिल्प। 10 दिसंबर 1982 में उनका जन्म हुआ था। उनका बर्थ प्लेस है साउथ अफ्रीका। उनका हाइट है 5 फीट 5 इंच और उनका वेट है 55 केजी। उनकी बॉडी मेजरमेंट है 33-25-35। उनकी जोडाइक साइन है सेगिटेरियस। साल 2023 में उनका रियल एज है 40। उनकी हॉबीज है ट्रैवलिंग और डांसिंग। चलिए जान लेते हैं उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। उन्होंने साउथ अफ्रीका से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद वो इंडिया वापस आ गई थी। उन्होंने अपने हायर स्टडीज पंजाब यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो उन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। उनकी प्रोफेशन की बात करें तो वो एक एक्ट्रेस और मॉडल है। चलिए जान लेते हैं उनके करियर के बारे में। टीवी सीरियल्स में काम करने से पहले शिल्पा बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ 40 से भी ज्यादा कॉमर्शियल शूट में काम कर चुकी है। टीवी इंडस्ट्री में उनकी पॉपुलैरिटी दुगनी होती गई जब वो टीवी सीरियल दिल मिल गए में डॉक्टर रिधिमा गुप्ता के किरदार में नजर आने लगी थी। उनकी और करण सिंह ग्रोवर की जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद आने लगी थी। ठीक एक साल के अंदर ही दिल मिल गए के प्रोड्यूसर के साथ शिल्पा का झगड़ा हो गया था, जिसके बाद एक्ट्रेस ने सीरियल छोड़ दिया था। लेकिन पब्लिक डिमांड पर साल 2010 में एक्ट्रेस फिर से इस सीरियल में वापस आई। साल 2012 में वो टेलीविजन सीरियल तेरी मेरी लव स्टोरीज में नजर आए थे, जहां पर उन्होंने मीरा का किरदार निभाया था। साल 2015 में वो माही सागर एपिसोड में नजर आए थे। साल 1995 में शिल्पा ने तमिल मूवी विष्णु में काम किया था। साल 2002 में वो तेलुगु मूवी विजवाड़ा और पुलिस स्टेशन में लीड रोल में नजर आए थे। साल 2003 में शिल्पा ने तेलुगु मूवी विष्णु द ही मैन में ली चोल वैष्णवी के किरदार में नजर आए थे। साल 2004 में कनाडा फिल्म सर्वाओमा में वो ली चोल में नजर आए थे। शिल्पा ने इकरार बाय चांस फिल्म के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना पहला डेब्यू दिया था। साल 2010 में हिंदी मूवी दीवाने हो गए में वो रुचि के किरदार में नजर आए थे। साल 2013 में हिंदी मूवी ब्लडी इश्क में वो राधिका के किरदार में देखने को मिला था। साल 2016 में वो ये है लॉलीपॉप में नमिता के किरदार में नजर आए थे। साल 2002 में वो पंजाबी म्यूजिक वीडियो गोल गोल आंख में नजर आए थे। साल 2007 में वो म्यूजिक वीडियो कुछ देर तक में नजर आए थे। साल 2014 में वो पंजाबी म्यूजिक वीडियो कच्ची चैन में नजर आए थे। साल 2014 में हिंदी म्यूजिक वीडियो ख्वाहिश में उन्हें देखने को मिला था। साल 2016 में उन्हें पंजाबी म्यूजिक वीडियो ऊपर अंडर में देखने को मिला था। चलिए देख लेते हैं उन्हें अभी तक कितने अवार्ड्स मिले हैं। अवार्ड्स की बात की जाए तो दिल मिल गए सीरियल में उनकी और करण सिंह की एक्टिंग को देखते हुए बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल अवार्ड मिला था। चलिए जान लेते हैं उनके फैमिली में कौन कौन है। उनके फैमिली के बारे में बात की जाए तो वो हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है।
उनकी एक बहन है जिनका नाम है साक्षी शिवानंद। उनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो वो सिंगल है और किसी को भी डेट नहीं कर रही है। चलिए जान लेते हैं उनकी इनकम के बारे में। वो जब टीवी इंडस्ट्री में काम करती थी तो तब वो पर एपिसोड के लिए 80,000 रुपए लेती थी। उनका नेट वर्थ थे 78 लाख। चलिए देखते हैं उनकी कार कलेक्शन। उनके पास मारुति इग्निस मॉडल की कार है जिसका कीमत है 5 लाख। चलिए आप लोगों को बताते हैं शिल्पा आनंद की कुछ अनके की बातें। इंडिया आने से पहले एक्ट्रेस की बचपन साउथ अफ्रीका में बिता है। साल 2016 में एक्ट्रेस ने अपना नाम चेंज कर ओहाना शिवानंद रखा था क्योंकि उन्हें लगता था कि शिल्पा नाम बहुत ही कॉमन है इंडस्ट्री में। एक्ट्रेस के तौर पर अपनी करियर शुरू करने से पहले वो मॉडल के तौर पर काम किया करती थी। वो कई सारे कॉमर्शियल्स और प्रिंट एडवर्टाइजमेंट में भी नजर आई थी। टीवी इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले वो 5 साल तक सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर काम किया करती थी। सिर्फ यही नहीं, एक्ट्रेस रियल लाइफ में बहुत ही अच्छी फैशन डिजाइनर है। वो कई सारे फैशन इवेंट्स में अपनी क्रिएशन दिखा चुकी है। शिल्पा कई सारी भाषाएं बहुत ही फ्लुएंटली बोल लेती है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी और गुजराती। एक्ट्रेस अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टीवी इंडस्ट्री से कुछ सालों तक ब्रेक लिया था, जिसके बाद वो धीरे धीरे स्क्रीन से ही गायब हो गई। अन्य एक्ट्रेस की तरह शिल्पा आनंद सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है। उनका ना ही कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है और ना ही कोई ट्विटर, जिसके चलते वर्चुअली उनके फैंस उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाए। उन्हें नई जगहों पर जाना, घूमना बेहद ही पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगले वीडियो में आप किसका लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।